आज मैं आपको बताऊंगी घर पर हलवाई जैसे खस्ता समोसे कैसे बनाएं। तो आइए जानते हैं। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डो बनाने के लिए 300 ग्राम मैदा ली है और मैंने यहाँ पर 75 ml रिफाइंड ऑयल लिया है, ये मोयन के लिए है। एक छोटा चम्मच अजवाइन और नमक भी मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैदा में नमक और अजवाइन डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब नमक और अजवाइन मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम मोयन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मोयन करके डालेंगे और जब भी आप मैदे में मोयन डालें इसको आटे को अच्छे से मसल लें, जिससे कि मोयन जो है आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप मोयन लगाएंगे और मैदे में अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो आपके समोसे पे बबल आएंगे। समोसे पे बबल ना आए इसलिए आप जब भी मोयन लगाएं तो खूब मसल दें। अभी तो मैंने मोयन भी लगा दिया है अच्छे से मसल के। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त डो तैयार करूँगी। जब भी आप समोसे के लिए डो तैयार करें आटा हमेशा सख्त गूंथें। तो अभी जो हमारे ये समोसे के लिए डो था ये तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे और अब हम समोसे की स्टफिंग तैयार करेंगे। समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने थोड़ा मैश कर लिया है। 1 छोटा चम्मच खड़ा धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 हरा मिर्च, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। आप चाहें तो समोसे में हरे मटर भी डाल सकते हैं, काजू किशमिश भी डाल सकते हैं और अदरक के साथ लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये सारी चीज़ें ना डालें। समोसे के ऑथेंटिक टेस्ट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए आप यही लें, इससे आप बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। जब तेल गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर खड़ा धनिया, सौंफ, हींग, हरी मिर्च और अदरक डाल दी है और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये अच्छे से भून गई तो मैंने यहाँ पर मैश्ड आलू डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे कि जो ये सौंफ वगैरह था और ज़्यादा ना जल जाए इसलिए मैंने इसे आलू में मिक्स कर दिया है। अब मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए जो कि मैंने निकाले थे, धनिया, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक, और अब इस स्टफिंग में हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट चलाएंगे। तो अभी जो हमारी समोसे की स्टफिंग थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हमारे समोसे की जो स्टफिंग थी वो ठंडी हो गई है। तो अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमने डो तैयार किया था उसकी मैंने छोटी छोटी लोई बना ली है। इसके साथ ही मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा मैदे को पानी में घोल के रखा है। इससे मैं समोसे बनाऊंगी तो चिपकाने के लिए यूज़ करूंगी। तो जो हम एक लोई को लेकर एक अंडाकार पूरी के जैसा बेल लेंगे। तो अब हम लोई की एक थोड़ी सी मोटी पूरी बेल लेंगे। पूरी बेलने के बाद इसे हम चाकू से 2 भागों में काट लेंगे। अब हम एक भाग को थोड़ा सा ऐसे पलट लेंगे और इस पर थोड़ा सा घोल लगाएंगे और दूसरे भाग को इस पर चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कोन जैसा हो गया है। इसे आप बहुत अच्छे से चिपकाएं, नहीं तो ये समोसा आपका खुल भी सकता है। तो इसमें हम 1 चम्मच स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा किनारे पर घोल लगाऊंगी और इसे चिपका लूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा समोसा बन गया है। हम इसी तरह से सारे समोसे बना लेंगे। तो अभी हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हैं। तो अब हम इन्हें तल लेंगे। तो अभी हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में घी गर्म हो रहा है। तो अभी जब हमारा कढ़ाई मीडियम गरम हो गई है तो मैंने यहाँ पर इसमें समोसे डाल दिए हैं। जब हमारे समोसे एक साइड से थोड़े से सिक जाएंगे तो हम इन्हें पलटकर दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमारे समोसे बनकर तैयार हैं। समोसे को मैंने इमली की मीठी चटनी और हरे धनिया की खट्टी चटनी के साथ सर्व किया है।
ये समोसे बहुत करारे बने हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं, इसलिए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलूँगी एक अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।